हे एवरीवन, डेली ब्लॉगिंग सीरीज डे 89। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और अभी का सीन ये है कि प्राची दीदी आ गई हैं और सब जगह हमने कॉल वॉल कर दिए हैं। सो मतलब फुल अभी चल रही है लियाना के बर्थडे की तैयारियाँ। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मतलब मैं ऊपर आया, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और बताती हूँ मैं आपको, अभी जाने वाले हैं मार्केट कुछ टाइम बाद, क्योंकि प्राची दीदी आ गई हैं तो मार्केट तो आप समझ ही गए होंगे। सो हम लोग, हालांकि तैयारियाँ बहुत करनी है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। सो अभी निकलना है मार्केट के लिए और मार्केट में मिलते हैं आपसे जाने के बाद। बाय। और यहाँ मैं और मम्मी कर रहे हैं सभी को कॉल बुलाने के लिए। सो यहाँ हम 11 बजे से बैठे हुए थे, 2 बज गए हैं। और यहाँ मैंने लिए फूफा जी के फुल मज़े, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फूफा जी को मैं पूरा पूरा भड़काने की कोशिश कर रही हूँ। नमस्ते। आप ना रूट गाना, आओ बाजियों का काम होता है रूटने का। पर आप तो एक्टिंग कर रहा है इस बार आके रूट गाना। मुझे पूछो नहीं तुमने, वो कुछ पूछते ना ने। अब रूटना, आप फूफा फूफा बन के दिखाओ। आप बुआ जी कहाँ है? बुआ जी क्या कर रही हो लियाना? लियाना की बोतल, वाओ, ये लियाना की नहीं है पर ये गुन्नी की है। आपको दिखाती हूँ लियाना की फ्रॉक, लियाना क्या पहनेगी। एक सेकंड, सी, ओह माय गॉड, गिर गया। सो यहाँ ये बॉक्स जो दिख रहा है वो है लियाना की फ्रॉक का बॉक्स, बट मैं इसमें दिखाऊंगी नहीं अभी। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 13 तक। अभी से देख के अच्छा नहीं लगेगा ना, आप इमेजिन कर लोगे ऐसे ऐसे लगेगी। बट बहुत सुंदर फ्रॉक है, इसमें ड्रेस लियाना की, बट ये मैं आपको दिखाऊंगी 13 को। सो आप इंतजार करो। और यहाँ गुन्नी की ना तबीयत आते से ही ख़राब हो गई है, उसको फीवर आने लगा है क्योंकि मौसम चेंज हो गया। मुंबई में थोड़ी गर्मी है और यहाँ सर्दी है। और यहाँ हम आ गए थे पंप पे, मुझे कुछ पैसे निकालने थे और प्लस पेट्रोल डलवाना था। उसके बाद हम आ गए थे मार्केट में। और यहाँ मार्केट में कुछ काम करने के बाद हम आ गए थे शॉप पे। यहाँ से मुझे वो बेडशीट चेंज करनी थी एक तो, और दूसरा हमें रिटर्न गिफ्ट लेने थे सबके लिए बहुत सारे, तो पैकिंग वैकिंग भी करवानी थी, तो यहाँ हम सेलेक्ट करके रख के जा रहे हैं। और क्या लिया है हमने रिटर्न गिफ्ट के लिए वो मैं आपको अभी नहीं, बाद में बताऊँगी जब सबको दे दिए जाएंगे उसके बाद। और यहाँ हम कर रहे हैं बारगेनिंग बहुत अच्छी वाली। और उसके बाद हम आ गए थे ट्रेंड्स, क्योंकि गुन्नी को कपड़े दिलाने थे लियाना के बर्थडे के लिए और पापा के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे हमें।
सो यहाँ गुन्नी के कपड़े हमने ले लिए हैं और गुन्नी की मस्ती देखो आप। तो यहाँ हमारी शॉपिंग हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं बाहर, और उसके बाद सीधा हम लोग आ गए थे पानी पूरी खाने, मेरा फेवरेट। और यहाँ से सोनम के लिए कराए भल्ले पैक। नहीं, इधर तो देख ले। अरे भैया गुन्नी टिक्की खा ली है मेरी, वो देखना गुन्नी ये क्या है इधर, नहीं देखना पूरा नहीं। और यहाँ गुन्नी की मम्मा गुन्नी के लिए दवाई ले रही है और गुन्नी को देखो ऐसे रो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। बंदर मुझकी, ए बंदरिया इधर तो देख ले क्या रो रही है। मम्मा छोड़ के चली गई बेबी को, मम्मा सुन भी नहीं रही। आज मम्मी पास आ रही है, आ जाओ कम। मेरे साथ क्या हुआ, जो मैं मार्केट मतलब मार्केट से पहले मैं जो बोले के आई थी ना बेड शीट, सो छोटी बढ़ गई थी तो मैंने सोचा उसको एक्सचेंज करके दूसरी ले आऊंगी, लेकिन मैं दूसरी तो ले आई लेकिन जो एक्सचेंज के लिए ले जानी थी ना उसको मैं नहीं ले गई। तो मैं सोच रही फिर किसी दिन भिजवा दूंगी यार, मैं मतलब याद रखी थी कि मैं उसको ले जाऊंगी लेकिन बिल्कुल टाइम पे आके बच्चों के साथ में ना यही होता है, फिर मैं भूल गई। मुझे लगा मैं लियाना को सुला के सीधा निकल जाऊँ, लेकिन मैंने उसको सुला तो दिया था लेकिन ये नहीं ले पाई, बट कोई ना फिर भिजवा दूंगी। तो गाइज़ या मार्केट से मैं आ गई हूँ घर और बस वीडियो कर देती हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।